तो फाइनली हम यहाँ से सोमनाथ जी के दर्शन कर लिए। वहाँ पे उसके आसपास में जो भी थे वो भी आपको बता दिए वीडियो में, वो दर्शन सब पूरे हो गए हैं। तो प्रोग्राम में चेंज है थोड़ा सा, और चेंज ये है कि हम जा रहे हैं अब गिर नेशनल पार्क। पहले दीव जाने का था पर अब वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि कल वेनेसडे है, तो जो जंगल सफारी की जो उसमें जो गाड़ी होती है सफारी वाली, वो कल अलाउ नहीं रहेगी। कल वो नहीं रहेगी, कल क्या वेनेसडे है तो उसमें टोयोटा इनोवा ये गाड़ी अलाउ रहेगी। तो इस चक्कर में हम आज ही निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ से करीब 1 घंटे का ही रास्ता है, तो पहुँच जाएंगे और 4:45 की जो है सफारी वो स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पहुँचते हैं और जंगल सफारी, लायन, शेर है, पता नहीं चीते, ऐसे तो सारे जानवर हम लेके घूम रहे हैं। वैसे तो हम सारे जानवर लेके घूम रहे हैं, पीछे बैठे हैं देखो एक ये भी रहा, लेकिन फिर भी हम क्या इन जानवरों को जानवर दिखाएंगे और फिर देखेंगे, बहुत मजा आएगा है, दिखाते हैं आपको। ठीक है, करने के वाले रूट पे हैं हम, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है जहाँ पे जाना है। लेकिन उससे पहले ये जो कलश है यहाँ पे हमने अभी हमारा लंच लिया है, अच्छा था खाना, टेस्टी था, और बिल तो राजस्थान से कम ही आ रहा है। तो चलो पहुँचते हैं वहाँ पे। गाड़ी में बैठे हैं, देखो ये पैक सफारी है, करीब एक गाड़ी के 4,000 का चार्ज लगा है यहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं जंगल की तरफ, तो कैसे क्या है वो जंगल का व्यू हम आपको बताते हैं, बड़ा मजा आएगा। अगर लायन दिख जाएगा, लायन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जिसको देखना है लायन मुझे। ओके, तो देखो भीड़ भी दिखाता हूँ मैं आपको कितनी है। करने ये हमारा अंशु, कहाँ है अंशु भैया, कहाँ हो आप सर, दिखो हमारे को, हाथ ऊंचे करो सक्षम भैया। हाँ नीलम दीदी प्लीज थोड़ा इधर देखिए, रोहानी जी जी, हम जा रहे हैं जानवरों को जानवर दिखाने।
दोस्तों वो देखो शेर है, सो रहा है। दिन का टाइम है, आप खुद ही एसी और इनमें सो रहे, तो वो बेचारा पेड़ के नीचे तो सोएगा ही सोएगा ना, समझ सकते हो आप उसकी भावना। वो मेघ में शेर को यहाँ पे दिखा है, वो सो रहे हैं। अंगड़ा यहाँ लेते हैं वो भी जोर जोर से, वो ले रहे हैं इसलिए सो रहे हैं। दिन है, गर्मी है, दिन के टाइम पे क्या करना है, हमसे नहीं पूछता इनसे क्या पूछेगा। तो वो आराम कर रहे हैं तीन यहाँ पे। देखो हम इनके यहाँ पे घूमने आए हैं, इनके घर पे, ये अपने घर आ गए तो अपनी क्या हालत होगी। सोचो सोचो, इसलिए इनको इनकी जगह रहने दो, ये नगरी तो रखना है, हम डिस्टर्ब नहीं करते। चलो चलो।